अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ चार साल की बेबी की अंगरखा फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। और ये जो है कि आप वीडियो के बगैर स्किप किए देखिएगा, मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। आइए अब हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं कपड़े को पीसेज में कट कर ली थी। और ये देखिए, टॉप के लिए मैं दो पीस ली हूँ, जिसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई इसकी 15 इंच है। अब से देखिए, मैं यहाँ पे 4 फोल्ड कर ली हूँ। यहाँ से हम शोल्डर के लिए 5 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्मोल का भी मैं 5 इंच पे लगाऊंगी। यहाँ पे मैं आस्ती नहीं लगाई हूँ, इसके लिए आर्मोल का निशान मैं 5 इंच पे लगाऊंगी। और चेस्ट के लिए मैं 7.5 इंच पे निशान लगाई हूँ और वेस्ट का 7 इंच पे। इन निशानों को हम मिला लेंगे और यहाँ से आर्मोल का शेप दे करके अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गला हम बाद में बनाएंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे गले का निशान आपको नहीं बताई हूँ लगा करके। देखिए यहाँ पे कटिंग, हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ से मैं बैक वाले पीस निकालूंगे। और फ्रंट वाला हम फिर से फोल्ड करके अब हम इसकी गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी गले की चौड़ाई का और 4 इंच पे गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी। यहाँ से देखिए, हम वी शेप का निशान लगा करके हल्का सा इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं गले की कटिंग कर ली हूँ। अब इसे हम खोल ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो बीच बीच वाला निशान है, वहाँ से मैं 4 इंच पे क्रॉस में निशान लगाऊंगी। और जब हम 4 इंच पे जो निशान लगाएं क्रॉस में, इसे अब हम सीधा नीचे की साइड निशान लगा लेंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कटिंग कर ली हूँ। अब ये देखिए, मैं बॉटम के लिए 2 पीस ली हूँ, जिसकी लंबाई 14 इंच है और इसकी चौड़ाई 32 इंच है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं पाइपिंग कट कर ली थी, अब इसे टॉप पार्ट पे हम फोल्ड करके लगा लेंगे। जैसे हमारी कटिंग है, हम पाइपिंग को बिल्कुल उसी तरीके से लगाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे लगा ली हूँ पाइपिंग को, इसे कट का निशान लगा करके इसे पीछे की साइड पलट करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे पाइपिंग लगा चुकी हूँ और ये जो दूसरा वाला हिस्सा, यहाँ भी मैं जो पाइपिंग लगाई, सिर्फ जो जहाँ तक वी कट है, मैं वहीं तक पाइपिंग लगाई हूँ। यहाँ पे देखिए, जो वी कट है दूसरा वाला हिस्सा, उस पर मैं पहले लेस लगा लूँगी। देखिए मैं यहाँ पे लेस लगा ली हूँ, अब इसे हम पहले अटैच कर लेंगे दूसरे वाले जो हिस्सा उसमें। देखिए मैं यहाँ पे अटैच कर ली हूँ, अब मैं इस पर भी लेस लगा लूँगी। देखिए टॉप पार्ट में मैं लेस लगा ली हूँ, पीछे वाला गले की कटिंग कर लेती हूँ। इस पर मैं 2.5 इंच पे चौड़ाई का निशान लगाई हूँ और 2 इंच इसकी लंबाई का निशान लगाई हूँ। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे देखिए, नीचे मैं पट्टी के लिए, बटन पट्टी के लिए 2 इंच कटिंग की थी। यहाँ पे देखिए मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं शोल्डर को ज्वाइंट कर ली हूँ। और ये आस्तीन में मैं पाइपिंग लगा लूंगी। देखिए मैं दोनों साइड पाइपिंग लगा ली हूँ और ठीक साथ हमारा टॉपर तैयार हो चुका है। मैं बॉटम वाला हिस्सा लूँगी, इस पर बारीक बारीक सा प्लेट्स लगा लूँगी। यहाँ पे देखिए, मैं दोनों पीस में प्लेट्स लगा ली थी, अब मैं इसे टॉप पार्ट में जॉइंट कर लूँगी। देखिए मैं टॉप पार्ट में दोनों साइड ज्वाइंट कर ली थी, अब देखिए यहाँ मैं बॉटम पार्ट पे भी
लेस लगा लूंगी। देखिए मैं यहाँ पे लेस लगा ली हूँ, अब इसकी मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी। वैसे मैं दोनों साइड सिलाई लगा लूंगी फिटिंग की। देखिए मैं दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा करके इसे आगे की साइड पलट ली हूँ। अभी नीचे वाला हिस्सा जो है इसे मैं बारीक से फोल्ड करके इसके ऊपर भी मैं लेस लगा लूंगी। देखिए मैं बॉटम पार्ट पे लेस लगा लेती हूँ और इसी के साथ हमारा ये फ्रॉक तैयार हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा फ्रॉक तैयार हुआ है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।